हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरेब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से पैरा मेडिकल के छात्राओं का भविष्य अधर में लटका 3 साल से फर्स्ट ईयर की परीक्षा ही नहीं हुई देहात पुलिस की बड़ी कार्यवाही 12 माउजर और 10 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार सरपंच पति से परेशान होकर उभे गांव के ग्रामीण छिंदवाड़ा पहुंचे लिखित शिकायत कर लगाया धमकाने और मनमानी करने का आरोप और प्राकृतिक खेती करने वाले गौपालकों को मध्य प्रदेश सरकार देगी 900 रुपए गौ सेवा राशि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी और अब खबरें विस्तार से छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का आलम ये है कि 3 साल गुजरने के बावजूद पैरा मेडिकल कोर्स के फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं हो पाए हैं पैरा मेडिकल के विद्यार्थी 3 साल से सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन एक बार भी एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला मंगलवार को अपनी शिकायत लेकर जिला प्रशासन के दरवाजे पर पहुंची मेडिकल कॉलेज की पैरा मेडिकल छात्राओं का आरोप है कि अप्रैल में जब एग्जाम का समय आया तो मेडिकल कॉलेज ने एफिलिएशन ही नहीं करवाया जिससे वे फर्स्ट ईयर की परीक्षा से महरूम रह गए उनका कहना है कि उनके भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही करे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं पैरामेडिकल से हमारे 3 साल हो चुके हैं पर अब तक फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई अभी अप्रैल में फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थी पर हम वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि तो कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी भेज दिया गए पर हमारा अब तक एफिलिएशन नहीं हुआ है एफिलिएशन के कारण इनरोलमेंट नहीं हो पाया है और हम 3 साल से बस स्टडी कर रहे हैं पर एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं कितने बच्चे हैं वहाँ पर हम टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं हमारा कलेक्टर मैम से बस यही निवेदन है कि हमारा एफिलिएशन करवा दीजिए यूनिवर्सिटी से ताकि हम अभी 7 तारीख को हमारे एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे पाए 3 साल से फर्स्ट ईयर की भी एग्ज़ाम नहीं हो पाई हमारी शहर समेत जिले में अवैध हथियारों का कारोबार चरम पर है देहात पुलिस ने सोमवार को 12 माउजर और 10 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इसके पास से बड़े पैमाने पर जब्त हथियार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शहर में हथियारों के खरीदारों की तादाद बढ़ रही है पिस्टल के साथ पकड़े आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है SP विनायक वर्मा ने बताया कि मुखबिर के सूचना पर देहात पुलिस ने फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय कमलेश उर्फ बाबा के घर पर दबिश दी तलाशी के दौरान आरोपी के घर से 12 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस जब्त किए गए अवैध हथियारों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है इस पूरी कार्यवाही में देहात TI GS उइके एवं टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही गौरतलब है कि शहर और जिले में गोलीबारी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है पिछले दिनों 2 युवकों ने शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था आज जिला छिंदवाड़ा के देहात थाने में TI उइके जी CSP प्रियंका पांडे जी और एडिशनल SP संजीव उइके साहब के द्वारा मेहनत की गई और आज फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र है थाना देहात जिला छिंदवाड़ा में पड़ता है वहाँ से 12 नग पिस्तल और 10 लेव एमिनेशन मिले हैं यह
कमलेश पटले नामक व्यक्ति का है जो मूलतः बारा सिवनी बालाघाट का रहने वाला है और यहाँ एक महीने से किराए काम में रह रहा था। उसके पास से रिकवर हुआ है। छानबीन पर पता चला इस व्यक्ति के खिलाफ 2016 में भी आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था जिला छिंदवाड़ा में, जिसकी सज़ा अभी भी है और सज़ा से फरार चल रहा है। हम इस केस को अभी और डेवलप कर रहे हैं और व्यक्ति का पीआर ले रहे हैं। इसके द्वारा भी बताया गया है कि निमाड़ क्षेत्र के आसपास इसके द्वारा गन्स एक्वायर की गई हैं। गन्स की क्वालिटी और मेक से ये बात सही मालूम पड़ रही है, किंतु अभी इसमें और अग्रिम विवेचना की जाएगी एग्जैक्टली किसके द्वारा किया गया और इसका इरादा जो ये सारे 12 वेपन्स का था, अलग अलग क्रिमिनल्स को बेचने का था, तो किस किस को बेचने का था ये भी विवेचना में भी क्लियर किया जाएगा। सर, तो कुछ वेपन जो बेचे गए हैं या फिर बारी लेके आए गए? अभी हाल में जो दूसरे क्राइम में वेपन का यूज़ हुआ था वो दूसरे व्यक्ति द्वारा बेचा गया था और वो वेपन भी रिकवर हो गया है। अभी आगे इसके बेचने की कोई सूचना में नहीं मिली है, लेकिन ये सामान लगभग 6 लाख रुपए का था, तो हमारा मानना है कि अवश्य ही इसका शीघ्र बेचने का प्लान हुआ होगा। उसको डेवलप करके जिनके पास भी जाना था उसका हम खुलासा जल्द करेंगे। करीबन एक माह पहले श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से हमको निर्देश प्राप्त हुए थे कि वेपन बाहर से आ रहे हैं और आग्नेय शस्त्र की घटना हो रही है, तो इसमें हमने श्रीमान के निर्देशन पर आदमी लगा के रखा था। कल भी सूचना मिली थी हमको, लेकिन कारगर नहीं हो पाए, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। आज फिर सूचना 1 बजे मिली हमको और फिर हमने टीम बना के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर और दबिश दिया और कमलेश पटले के कब्जे से 12 पिस्टल 7.65 बोर के बरामद किए और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभी वो रिमांड में लेंगे उसको। और हथियार कहाँ से आए और पहले क्या हथियार ये कहीं बेचा है, इस संबंध में जांच की जा रही है। इसके पहले भी जो व्यापार आरोपी को पकड़ा है कहीं बेचा है? अब पूछताछ कर रहे हैं, अभी आज ही की घटना है, दोपहर 1 बजे कब्जे में लिए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। प्रदेश का जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा, जीरो बजट की खेती करेगा और इसके साथ साथ गौपालन भी करेगा, तो उसे गायों के भरण पोषण के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार 900 रुपए प्रति माह की राशि पहुंचाएगी। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। यह जानकारी मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने दी। सोमवार को जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ उन्होंने छिंदवाड़ा में 12 गौ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर छिंदवाड़ा जिले के सभी 11 विकास खंडों के लिए रवाना किया। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ने बताया कि भोपाल से प्रदेश भर के लिए कुल 606 गौ एम्बुलेंस रवाना की गई है और अब ये जिला मुख्यालय में पहुँच गई है, जहां से इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों और विकास खंडों में भेजा जा रहा है। ये गौ एम्बुलेंस गौवंश सहित अन्य पशुओं के लिए जीवनदायी साबित होगी। इनसे तत्काल बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त पशु और पशु चिकित्सालय पहुंचाया जा सकेगा और उनका इलाज शुरू हो सकेगा। जिला भाजपा अध्यक्ष छिंदवाड़ा विवेक बंटी साहू का कहना है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बेहद संवेदनशील सरकार है, यही वजह है कि गौ माता की सेवा के साथ उनकी सुरक्षा और बेहतर इलाज के लिए भी ठोस प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार की कामधेनु योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया है, जो लगातार गौ माता और गौपालक किसानों के लिए कार्य कर रहा है। गौशालाओं की फंडिंग हो या फिर उन्हें सुविधाएं, लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमने यहाँ शुभारंभ नहीं किया है, हमारा शुभारंभ 12 मई को हमने भोपाल में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हमें आर्थिक सहायता मिली और उस आर्थिक सहायता से ही ये मध्य प्रदेश में 406 काऊ एम्बुलेंस, इसको अंग्रेजी में कहना चाहेंगे, वैसे पशु चिकित्सा चलित इकाई इस रूप में कहा जा रहा है, तो ये एम्बुलेंस हमको केंद्र सरकार ने दी है मध्य प्रदेश को। और इसकी विशेषता ये है कि
कि इसमें एक नंबर भी हमने जारी किया है 1962। जो पशु किसी के घर में बीमार है या रोड पर कहीं बीमार या घायल अवस्था में पड़ा है और उसको तत्काल उपचार की आवश्यकता है, तो इसमें वो सारे संसाधन जो चिकित्सकीय उपकरण चाहिए वो इसमें उपलब्ध हैं। एक डॉक्टर इसमें बैठेगा, एक ABFO इसमें रहेगा और एक ड्राइवर रहेगा। वो ड्राइवर भी इसी प्रकार का रहेगा जिसको इलाज करने का अनुभव हो। सारी औषधियाँ इसमें उपलब्ध रहेंगे, आवश्यक जितने उपकरण चाहिए वे उपकरण इसमें रहेंगे और उसको तत्काल उपचार मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक गोवंश पाया गया है पशु संगणना के आधार पर, और मध्य प्रदेश में ही किसानों ने अपने गोवंश की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया है, यह मान करके कि गाय यदि दूध नहीं दे रही है, गाय यदि पूत नहीं दे रही है तो वह अनार्थिक हो गई, हमारे लिए अनुपयोगी हो गई। और चूँकि खेती और किसानी में जो अब नए नए प्रकार के मशीनीकरण उपकरण आ गए हैं, इसके कारण बैल की उपयोगिता नहीं है, तो अब वो उसे खुला छोड़ देते हैं। जबकि तथ्य ये कहता है कि गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता, उसका पालना हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। और गाय तो हमारे घर की शोभा है, लोग अपने घर में गोपालन करें, इस दृष्टि से भी मध्य प्रदेश सरकार ने नीति का निर्माण किया है। और जितनी गौशालाएँ अब हमारी खुल गई हैं, आज की तारीख में 1765 गौशालाएँ हमारी मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, जिनमें 287,000 गोवंश है। तो कहीं ना कहीं गौशालाओं में भी गोवंश बीमार होता है और घरों में भी गोवंश बीमार होता है, तो उनको तत्काल इलाज मिल जाए, तो इस प्रकार की ये सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने की है। और कुछ गौ संबंधी नीतियाँ भी हमने निर्माण की है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, और उस घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश में किसानों की फसल सुरक्षा और गोवंश का संरक्षण ये बहुत आवश्यक है। तो एक रोड मैप भी हमने तैयार किया है, उस रोड मैप के में ये बहुत सहायक होगी। इस प्रकार के 313 विकास खंड हैं मध्य प्रदेश में, तो 313 ये गो एम्बुलेंस और नगरीय क्षेत्रों में एक एक, तो इस प्रकार से 406 गोवंश हमने गो एम्बुलेंस हमने रवाना किया है भोपाल से। अब जिलों में पहुँच गए, जिलों से हर विकास को जो आवंटित होना है, तो आज उसका भी शुभारंभ लगभग कई स्थानों पर हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधिगण वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और समाज के उन बंधुओं को भी हमने आमंत्रित किया है जो जिनके पशु को इसका लाभ मिलने वाला है। तो छिंदवाड़ा में भी आज इसका शुभारंभ हुआ है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार की ये बड़ी योजना किसानों, बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है वो कामधेनु आयोग बनाया है और मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो है वो गो संवर्धन बोर्ड बनाया है। गो संवर्धन बोर्ड के आधार पर हम गौशालाओं को भी अनुदान देते हैं। और एक बहुत अच्छा अभी हमने गो कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो किसान अब अपने घर में गो पालन करेगा, देशी गोवंश और प्राकृतिक खेती, हमारी कुछ कंडीशन भी हैं, प्राकृतिक खेती करेगा, जीरो बजट की खेती करेगा, इसके साथ साथ गो पालन करेगा और गो आधारित खाद का उपयोग करेगा, तो हर किसान को जो गोपालन करेगा उसे 900 रुपया महीना ये राशि पहुंचाई जाएगी गाय के भरण पोषण के लिए। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू करने जा रहे हैं हम, तो किसानों को लाभ हो। और गोपालन की जो पारंपरिक प्रवृत्ति है भारतवर्ष में, खासतौर से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, वो इस प्रवृत्ति से वंचित ना हो। दूसरा एक अनुरोध भी किया, गो संकल्प सभा थी जिसमें हमने सब जो वहाँ उपस्थित थे उनसे संकल्प करवाया है मुखिया के द्वारा, और आम जनता से कहा है कि गौशालाएं जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से चलती हैं, इसलिए प्रबंधन में हमारी भागीदारी हो, हम स्वयं खड़े हों, हम उसके अंग बने प्रबंध संचालन के, और साथ साथ हमारे घर में जो गोग्रास निकालने की परंपरा थी वो परंपरा लुप्त नहीं होनी चाहिए। अब नए युग के अनुसार युगानुकूल समसामयिक हमने नवाचार विधि भी बहुत सारी निकाली है, तो हम मध्य प्रदेश के 8.25 करोड़ लोगों से अपील कर रहे हैं कि भोजन करने के पहले गौ माता का स्मरण करो, 10 रुपये की राशि एक रोटी के बदले में निकालो। कल्पना करिए कि हमने 8 करोड़ लोगों से अपील की है और 1 करोड़ लोगों ने ही संकल्पबद्ध होकर इस प्रतिज्ञा का पालन किया, तो साल में 3,650 करोड़ रुपए की राशि आएगी जो जन भागीदारी होगी, और उसे हम गौ संवर्धन बोर्ड के जो पोर्टल हमने जारी किया है उसमें हम जमा करवा रहे हैं। जो पोर्टल में देना चाहें पोर्टल में दें, और जो निकटतम गौशालाओं को देना चाहते हैं वो गौशालाओं में दें। गोपाष्टमी का पर्व मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्व बने,
और उस दिन हम गौशालाओं में नजर आएं। इस प्रकार की हमने अनेक प्रकार की योजनाएं दी हैं। छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट के लिए भी एक विशेष योजना बनाई कि यहाँ गो तस्कर बहुत सक्रिय होते हैं, यहाँ से निकासी होती है गोवंश की, तो उसके लिए गोवंश वन्य विहार के लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है और उनको एक नेटवर्क दिया कि इसके आधार पर आप काम करके हमें जगह निकाल के दो, 100-100, 200-200 एकड़ ज़मीन निकाल दो, ताकि ये जो पुलिस वाले पुलिस कस्टडी का गोवंश पकड़ते हैं, जब पुलिस कस्टडी में आता है ये गौशालाओं में ओवरलोडेड हो जाता है, और जो हमारी मनरेगा की गौशालाएँ बनी है वो 100-100 की कैपेसिटी की हैं, तो उसमें आप ज़्यादा गोवंश रख नहीं सकते। लेकिन जब तक उन गोवंश का विचारण हो रहा हो तब तक तो कोई आश्रय स्थल चाहिए, तो गोवंश वन विहार छिंदवाड़ा में बनना चाहिए, गोवंश वन विहार सिवनी में बनना चाहिए, गोवंश वन विहार बालाघाट में बनना चाहिए, गोवंश वन विहार बैतूल में बनना चाहिए। तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई है और हमने गोवंश वन विहार की अवधारणा और गोवंश वन विहार कैसा बनना चाहिए एक हमने बना दिया है। बसावन मामा नाम का स्थान है रीवा ज़िले में, वहाँ 51 एकड़ की ज़मीन पर हमने गोवंश वन विहार बनाया है। जंगल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 8 घंटे हमारे यहाँ गोवंश चारा चरने के लिए आए, जंगल की घास पर गोवंश का स्वाभाविक अधिकार है, इसलिए हम उससे उसको वंचित नहीं कर रहे हैं। 4000 गोवंश हमने वहाँ मॉडल के रूप में रखा है और उसी मॉडल को हम प्रचारित कर रहे हैं कि ऐसा ही बनना चाहिए। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आमंत्रण विगत 50 वर्षों का विश्वास बीकानेर मिष्ठान आपके प्यार एवं आशीर्वाद से अपने प्रतिष्ठान की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। दिनांक 19 मई समय सुबह 11 बजे से आपके आगमन तक। इस शुभ अवसर पर आप सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। शुद्धता विश्वास एवं उच्च क्वालिटी के मिठाइयों के विक्रेता बीकानेर मिष्ठान में आपका स्वागत है। दिनांक 19 मई समय सुबह 11 बजे से आपके आगमन तक। स्थान बीकानेर मिष्ठान मेन पोस्ट ऑफिस के सामने छिंदवाड़ा। सादर निवेदक महेंद्र भाटी एवं अशोक भाटी, आदित्य भाटी एवं समस्त भाटी परिवार। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उभे गांव की महिला सरपंच के पति पर एक ग्रामीण के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर ग्रामीण को धमकी दी जा रही है। मंगलवार को ग्राम पंचायत उभे गांव से ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरपंच पति की शिकायत की। गांव के ही पवन चौरे का आरोप है कि उनके घर में नल जल योजना के तहत लगे नल में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत करने जब सरपंच पति सुनील डहरिया और सचिव मोहन डहरिया के पास पहुंचे तो उन्होंने पवन के साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं, इस मामले की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर घर पर आकर धमकाने का भी आरोप सरपंच पति पर लग रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में महिला सरपंच सिर्फ नाम की है, सारा काम उनके पति देखते हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के नियम का सीधा उल्लंघन है। मैं ग्राम पंचायत उभे गांव से वार्ड क्रमांक 18 से पंच ओम नारायण साहू। हमारे ग्राम की यह समस्या है कि हमारे ग्राम में एससी आरक्षण के तहत महिला सरपंच है, लेकिन महिला सरपंच के पति सुनील डहरिया के माध्यम से पूरे गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जो शासन की योजनाएं होती हैं उसमें सरपंच पति ही अपने कार्य करा रहे हैं, जबकि जो सरपंच महोदय हैं उनका कोई रोल काल नहीं रहता। बार बार हमारे पंचायत के मेंबर पंचवाड़ी के माध्यम से भी मतलब जो बैठक में प्रस्ताव लिए जाते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारियों की मिलीभगत से पीएचई का लगभग 2 माह में कार्य पूरा करना था, आज 11 माह हो चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार में कार्य पूरा नहीं हुआ और किसी प्रकार शिकायत करने पे सरपंच और सचिव के माध्यम से धमकी दी जाती है कि अगर आप आपकी शिकायत अगर वापस नहीं लेते हैं तो हमारी टीआई से बात हो चुकी है, हम एससी के कोटे के तहत आपको जेल करा देंगे जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। इस प्रकार की धमकी बार बार मिल रही है। लगभग एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, 11 महीने चुनाव के हो चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार के वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुए और कभी भी अगर बोलने जाओ तो वो कहते हैं कि आपसे जो मनता आप वो कर ले। मैं ग्राम पंचायत उभे गांव से वार्ड क्रमांक 18 से पंच ओम नारायण साहू। मैं नरेश कुमार जैन ग्राम पंचायत उभे गांव विकासखंड छिंदवाड़ा ग्राम वार्ड क्रमांक 8 से मैं पंच हूँ। और पंचायत में जो स्थिति पैदा हो गई, मतलब कि सचिव को फ़ोन लगाते हैं नल के लिए कोई भी चीज़ के लिए तो सचिव खुद धमकी देता है, आपसे जो बना कर लो, आपको जो ऊपर तक शिकायत करना मेरी कर लो। सरपंच समस्याएं क्या है? समस्या जो है गांव में पानी नहीं मिल रहा है और एक प्रकार से सरपंच पति अपनी मनमानी कर रहा है और मतलब कोई प्रस्ताव नहीं कुछ। सरपंच का नाम है सुनीता डहरिया, उनके पति मेट हैं और वो मेटगिरी काम करते हैं, मगर पूरा काम गाँव का वही करा रहा है और पूरा गाँव में घटिया प्रकार के अभी जो मनरेगा के प्रति जो काम हो रहा है, एक एक लात मार दो वो टाका ऐसे बन रहा है 24,000-25,000 के, ना कोई पानी की सिंचाई हो रही है ना कुछ हो रही है, मनमाने ढंग से मतलब फर्जी काम हो रहा है सब और अपने मन मर्जी से कोई प्रस्ताव पास नहीं करता पंचायत में, कोई मतलब कोई मीटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती और अपने मनमाने ढंग से काम करा रहा है। नरेश कुमार जैन। राजटॉक के क्षेत्र में मंगलवार को टेलरिंग का काम करने वाले दो लोगों के आपसी विवाद ने उग्र रूप ले लिया और एक टेलर ने दूसरे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। काय चीज से मारा? पता नहीं, कोई पहनो हजार था उसको। काय को पता झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं, अचानक ही मेरे को आया और सड़क मार दिया, मैंने पकड़ा तो उनके में लग गया। तुम्हारा क्या नाम है? अशोक बाबू। कहाँ पे मारा? किस जगह में? अपने राजटॉक में जा रहा उसके सामने। दुकान में? किसी दुकान में मारा है कि बाहर? वो भी टेलर है, मैं भी टेलर हूँ। हाँ। पता नहीं क्या विवाद से अचानक में आए घर दुकान सड़ से इधर मार दिया, मैंने ऐसे पकड़ा तो उंगली भी कट गई। दुकान के अंदर मारा क्या? दुकान के बाहर? बाहर। दुकान के मालिक क्या बोल रहे हैं? मालिक क्या बोल रहे हैं? क्या मालिक, मैं तो अब भी आया हूँ। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल
जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग दो रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट, तो पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस लाइन स्थित पार्क में सांसद निधि और विधायक निधि से बनने वाले मंदिर, सड़क और नाले निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पार्षद सरला सिसोदिया और महापौर की उपस्थिति में लाखों रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ शहर के विकास के लिए अपनी ओर से निधि जारी की है, जिसके माध्यम से नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। ब्रह्म करणे भी सुनया मुदेवा भद्रम पश्ये मात्यार विजत्रा स्त्रे रंगई वस्तवा गुणसस्तम विवशेम नगर निगम के वार्ड नंबर 6 सरला सिसोदिया जी, जो कि यहाँ की वार्ड पार्षद है, इनके वार्ड में विधायक निधि और सांसद निधि के और साथ ही निकाय निधि के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन यहाँ पर किया गया, जिस पर जब से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की शहर सरकार बनी है, प्रतिदिन आपके देख रहे हैं कि शहर में विकास कार्य होते जा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच पर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष विश्वनाथ उपटे जी, हमारी वार्ड की पार्षद सरला सिसोदिया जी, हंसा अंबर दाड़े जी, मंजू बैस जी, हमारी संगीता मुन्ना पवार जी, संतोषी गजबिये जी, पंकज शुक्ला जी और तमाम कांग्रेस परिवार और वार्डवासी उपस्थित रहे और यह विकास का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। आज विधायक निधि के इस पूजन के कार्यक्रम में
पुलिस लाइन स्थित पार्क में मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और कमलनाथ जी के आशीर्वाद से उन्होंने विधायक निधि प्रदान की पूरे शहर के लिए, ताकि पूरे शहर का विकास हो सके और वो विकास पुरुष कहलाते हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने विधायक निधि दी है, जिसके कारण हम सब हमारे नगर निगम महापौर विक्रम हक्के जी के नेतृत्व में सभी सभापति और सभी पार्षदगण मिलकर शहर के विकास को लगातार गति देते चले जा रहे हैं। कलेक्टर शीतला पटले ने सभी अधिकारियों को समय अवधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित सभी विभागों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने विभागवार कार्यों की समीक्षा भी की। जगह पे ये रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, 23 जो है हमारी समिति की बैंक है उनके माध्यम से हो रहा है और 10 हमारे ऐसे समितियां हैं जो असिस्टेंट बैंक मैनेजर के माध्यम से चल रही है। तो इस प्रकार से 33 तो अभी हम लोग ऑफलाइन में फोकस कर रहे हैं। सो इन दिस वी विल हैव टू डू एटलीस्ट पूरे जिले में 1000-2000 फॉर्म हमारे रोज भरे जाने चाहिए। तो अभी 33 जगह पे भी यदि हम लोग 50-60-70-100 फॉर्म भर देंगे, एक फॉर्म को भरने में लास्ट भी 5-10 मिनट लगता है। बहुत मुश्किल फॉर्म नहीं है, सिंगल पेज का फॉर्म है और केवल उनको अपना आधार और मोबाइल नंबर रखना है। साथ में मोबाइल नंबर जनरली लोगों के पास में रहते हैं, आधार लेके आने के लिए हमको उनको बोलना है। तो ये सारे लोग जो है इनको हमको थोड़ा घरों से निकालना पड़ेगा। तो ये जो 37,000 की सूची है ये निकालने के निर्देश हमने दे दिए हैं। कल दोपहर तक सभी SDM को ग्रामवार ये 37,000 किसानों की सूची प्राप्त हो जाएगी। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कसारी मोहल्ला स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग व मूर्ति स्थापना की 5वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मंदिर में सुबह से ही भोले बाबा की पूजा अर्चना का क्रम जारी था। कार्यक्रम के क्रम में 12 जोड़ों ने एक साथ मिलकर रुद्राभिषेक किया। सर्वत्राणि समर्पयामि।
भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः शुभ उदगिष्णानं समर्पयामि हि आचमनी से लोटे से नहीं फूल से आचमनी से लेकर के छोड़ दें। शाम इसके पश्चात अपूर्ण इत्यादि के फल चढ़ा दीजिए भगवान को। पशु परे अथवा पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री भूत भावनाय नमः। पूजनम प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम स्पर्शनम बिल्व वृक्षश्च दर्शनम पापमासनम। ओम माय गणो पवित्रो परमं पवित्रो प्रजापतिर्य सहजं परस्तायो श्री शाम सदा शिवाय नमः। गंध तिलकं समर्पयामि हे एक कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए बीच में सुंदर से। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई मंगलवार को भी हुई। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शीतला पटले के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने जिले भर से विभिन्न समस्याएं लेकर आए फरियादियों को सुना एवं उस पर तत्काल एक्शन लिया। एसडीएम अतुल सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई में सभी विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान बहुत से मामलों का तुरंत निराकरण भी किया गया। ये आबादी बना दी बगैर उसके नहीं। 58 57 52 इसकी जमीन यहाँ डेढ़ एकड़ है। ये इसने आबादी में मेरी जगह में बना लिया। ये समस्या है स्थानीय का फैसला तो है ही है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से पैरा मेडिकल के छात्राओं का भविष्य अधर में लटका। 3 साल से फर्स्ट ईयर की परीक्षा ही नहीं हुई। देहात पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 12 माउजर और 10 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार।
सरपंच पति से परेशान होकर उभे गांव के ग्रामीण छिंदवाड़ा पहुंचे, लिखित शिकायत कर लगाया धमकाने और मनमानी करने का आरोप। और प्राकृतिक खेती करने वाले गौपालकों को मध्य प्रदेश सरकार देगी 900 रुपए गौ सेवा राशि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।